गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ में हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम हमारी एटॉमिक पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें तीन पार्ट बताए थे मैंने पहले भी, तो आज जो हमारा नया वाला पार्ट है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रिंसिपल देखो, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी ना किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले उसका हमें ये जानना है कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसी के बाद हम उसकी आगे की चर्चा कर सकते हैं कि भाई हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं, देखो इसको समझने के लिए हमें ये आना चाहिए कि हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है। ठीक है, इस मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ हमने क्या डाला है, फोटॉन्स डाले, कुछ ना कुछ हमने रेडिएशंस डाली हैं। अब वो रेडिएशंस क्या करती है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। तो द व्हेन अ फॉल ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस ऑन द मेटल एन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। ठीक है, इस फिनोमिनन को जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, कि जब हमने किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाले तो उससे क्या हुआ, हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। मेटल में से जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हो, जैसे ही तुमने एच न्यू डाला इसके ऊपर, तो क्या बनता है, एम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा रिलीज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी एक इतना सा हमने कोई मेटल सरफेस लिया, सपोज मैंने उसके ऊपर रेडिएशंस डाली, रेडिएशंस की चर्चा बाद में करेंगे कौन कौन सी डाल सकते हो। सिर्फ अभी ध्यान रखना है कि रेडिएशंस डालोगे मेटल के ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि हमारी रेडिएशंस कितनी आ रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमें आगे देखनी है। लेकिन उससे पहले ये जानना है कि इस फिनोमिनन का मतलब क्या था, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। दूसरी बात, देने वाले कौन थे, हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये फिनोमिनन हमें प्रोवाइड किया था। अब बेसिकली बात बोलोगे कि मैम इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या रिलेशन है, तो देखो रिलेशन इतना ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कर दिया है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी से हमें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें एक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाता है, जब ये स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाता है तो हम इससे इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पता लगा सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव उसकी मेजरमेंट को बताता है, उसकी क्वांटिटी को बताता है। क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी को प्रोवाइड करवाएगा कि हमारा मेटल कौन सी क्वालिटी का है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी उससे पता लगेगा कि
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से हमारे निकल रहे हैं, इस तरीके से हमें ये कुछ फिनोमिनन के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो सबसे पहले हमने बात करा कि आइंस्टीन ने हमें दी थी। डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो व्हेन सम रेडिएशंस, व्हेन सम रेडिएशंस फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इजेक्टेड, या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस अंडर द रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द पेनेट्रेशन ऑफ रेडिएशंस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारी दो तीन डेफिनेशंस थी बाय द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट। भाई हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, तो इसी के इफेक्ट से क्या होगा, देखो बाय द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट वी कैन जनरेट अ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी कैन जनरेट अ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है, क्वालिटी पता चलती है हमें किसकी, हमारे मेटल सरफेस के बारे में, जितना भी है हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा इफ़ेक्ट हो गया है बेसिकली कि हमें क्या क्या होती जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, उसके साथ साथ एक डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना है कि ये हमारा एक मेटल सरफेस था, उसके ऊपर हमने रेडिएशंस डाली एच न्यू करके, और जब हमने रेडिएशंस डाली तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हुआ, ये क्या है हमारा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बाद अब हमें क्या करना है, इजेक्ट हो चुका है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हमने रेडिएशन डाली, उसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ, उसके बाद हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इससे गैदर्ड करी कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालनी पड़ेगी, किस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें डालनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो द मिनिमम कुछ ऑब्जर्वेशन हमने किए उसके ऊपर बिहाफ पे, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, देखो यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि द मिनिमम
अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नीडेड टू इजेक्टेड अ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने क्या नाम दिया उसको? हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। जो मिनिमम हमारी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम हमारे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें डेफिनेटली है कि इस इतना जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या थी? हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि रिक्वायर्ड कर रही थी हमारे रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमें रेडिएशंस इतनी मिनिमम क्वांटिटी में डालनी पड़ेगी। देखो, हर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग काम करेगी, तो अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डालनी है एनर्जी या रेडिएशंस, तो वो उतनी मिनिमम की होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। और उस मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अगर हम बात करें तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, अ लाइट ऑफ कि लाइट ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करती है। ये हमारा जो था ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरे की बात अगर हम बात करें तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है तो उनके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की नीड है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी द लाइट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिख लेते हैं हम, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन को हमें इजेक्ट करना है तो वो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर नीडेड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर नीडेड फॉर डिफरेंट मेटल्स, फॉर तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, क्योंकि हमारा जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला, कि जैसे ही तुमने किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाला तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगा। वो एनर्जी किस टर्म में आएगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारा वेलोसिटी बताएगी कि किस वेलोसिटी से जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हमें पता चलेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड वी डेफिनेटली नो कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल कब अभी तक हमारा उसी स्टेट के अंदर है, और जैसे ही मोशन के अंदर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो हमने यही बात बोली है कि जैसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी आई यहाँ पे मोशन के अंदर, वैसे ही जो है हमारे काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ आएगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट है, कि इंटेंसिटी के।
ये नहीं है कि तुमने जितना इंटेंस तुमने इसमें लाइट डाली उतनी ही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इंटेंसिटी इज वॉट कि तुमने कितना उसको डीपली पेनिट्रेट करा या कितना इंटेंस लाइट्स उसके अंदर डाली, एंड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। जब हमने स्पेक्ट्रो की क्लास शुरू करी थी तभी हमने बात करी थी हमारी डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग रेडियो वेव्स में यूवी एक्सवाई जेड कॉस्मिक वगैरह सब हमने बात की थी, एक्सरे गामा रे, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट उनकी वेवलेंथ होती है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो काम करती है, तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये नहीं है कि तुम उसको बहुत अच्छे से इंटेंस लाइट दे दी, बहुत अच्छे से तुमने एक सपोज तुमने क्या करा कि एक सैंपल लिया तुमने, ठीक है, उसमें से तुमने जो सोर्स लिया, सपोज सोर्स है, सोर्स में से तुमने बहुत ज़्यादा तीव्रता की वो क्या निकाल दी है, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स जो है उसमें से आ रही है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है, बट इट डिपेंड्स लीनियरली ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। लीनियरली का मतलब है कि इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके फ्रीक्वेंसी के, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो पॉइंट लिख देते हैं हम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट वेरीज लीनियरली linearly with its frequency, linearly with its frequency, frequency के साथ क्या करेगी वो linearly variate करेगी, ठीक है। The number of ejected electron from the metal, अब कितने number of ejected निकले हैं, the number of, देखो कुछ पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लेकिन लीनियरली फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे हम जो है वो बात कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, कि कितना नंबर हमारा निकलेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस depends on the intensity of light, डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, कि कितनी जो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इसे लिख लो इंटेंसिटी ऑफ ठीक है। तो हमने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं, अब हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा, मतलब कि अगर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारी, ग्रेटर नंबर ऑफ इंटेंसिटी, उतना ही ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर द इंसिडेंट रेडिएशन, greater the number of ejected electron, तो उतना ही जो हमारा number है ejected electron का वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से हमने ना कुछ चीज़ें हमारी कैलकुलेट करती है, तो जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है वो किस किस के इक्वल हो जाएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक जो है हमारे थ्रेशोल्ड के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या जो लिखेंगे कि जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन विल बी इक्वल टू
तो देखो एच न्यूट डाला था हमने, है ना, वो किसके इसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एक तो काइनेटिक एनर्जी, देखो जब हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ही बोला कि मैंने इसके ऊपर एच न्यू डाल दी, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या लेके निकला, अपनी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये कब लेके निकलेगा, जब इसके साथ साथ हमने इसको कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड दी होगी, थ्रेशोल्ड का मतलब यही तो था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारी नीडेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, फाई क्या है यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हाट इज इट रिप्रेजेंटेड एज एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी हमारी एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट के इक्वल, किसके इक्वल हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, नॉट हमने थ्रेशोल्ड के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल किया है, तो अगर अब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव प्लस एच न्यू, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम। अब अगर हमें इसका देखो ग्राफ बनाना है, यहीं पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमें पता है वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस एम एक्स होता है हमारा, ठीक है, माइनस सी प्लस एम एक्स होता है। अब हमें ये पता है कि मैम y इज इक्वल्स टू माइनस सी एम एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, कि अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो देखो जो हमारा इंटरसेप्ट है वो किस में जा रहा है, हमारा नेगेटिव के अंदर जा रहा है, तो मैंने यहाँ से मैं इसको कुछ ड्रॉ करना शुरू करूँगी, किस किस के बीच में ड्रॉ करूँगी, काइनेटिक एनर्जी हो गया और एम एक्स हमारा फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, तो किस किस के बीच में ड्रॉ करा, काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में, तो ये जो हमारा ये वाली चीज़ आई है, ये इंटरसेप्ट आया है वो क्या आता है हमारा एम के इक्वल आया है, जो कि है हमारा एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट। तो इस तरीके से हम इसका कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा एनर्जी न्यू था फ्रीक्वेंसी और ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो इस तरीके से इसका ये हम लीनियरली ग्राफ, और अभी मैंने कहा था ना कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो किससे लीनियरली वेरिएट करती है, फ्रीक्वेंसी से वेरिएट करती है, अभी अभी हमने ये पॉइंट लिखा था जिसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ करा है कि ये किस तरीके से हमारा हो रहा है। इसी के साथ अगर देखो अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर लिखूँ कि देखो काइनेटिक एनर्जी थी वो है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, हम जानते हैं कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और ये कितनी है माइनस का फाइव, फाइव की जगह हम इसको लिख लेते हैं एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू, ठीक है, तो क्या मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाए हमारा, एक मिनट, एच लिख लो, अब तुमने यहाँ पे h कॉमन लिया है, h जब तुमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा न्यू माइनस का न्यू नॉट, तो हम ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं एंड दिस इज नोन एज फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं हमारी फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन, इसको क्या नाम देंगे हम फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि हमारे आइंस्टाइन बाबा जो थे हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये इक्वेशन प्रोवाइड करी थी। तो बेसिकली ये तो अभी तक हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बस मैंने बीच में एक लाइन लिखी थी कि अगर ये इफेक्ट दिखता है तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी क्लासिफाइड, देखो अगर हम बात करें हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन तो ये क्लासिफाइड होती है हमारे टू टाइप्स के अंदर, एक होती है हमारी यू पी ई एस और एक होती है हमारी एक्स PES, ठीक है, अब फुल फॉर्म क्या है देखो इस गैस की फुल फॉर्म है हमारी अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसको हम बोलते हैं हमारी एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ठीक है। एक्सरे और यूवी क्या काम कर रही है? तो हमने अभी अभी बोला कि मैम अगर मेटल में से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली नीड क्या है हमें? रेडिएशंस की। अब रेडिएशंस हमारी किस फॉर्म में आएंगी वो हमें ये चेक करना है। तो हमने ये बोला कि एक तो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा और एक हमें मिलेगी हमारे एक्सरे रीजन के अंदर। इसी से देखो अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डाले मैंने, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन डाले, ये जो है ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि इतनी जो ये हमारी है, देखो ये अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे तो ये टोटल एनर्जी क्या है हमारी? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये क्या है हमारी? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब बाइंडिंग का मतलब है कि सपोज ये हमारा एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ ये हमारी शेल्स शुरू हो चुकी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इतना इतना जो है ये क्या है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास पास वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमने क्या बोला है? कोर बोला है। और ये इतनी एनर्जी जो है ये है हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें वैलेंस भी पता है, वैलेंस से जो अंदर वाले शेल से उसको हमने कोर का नाम दिया है और बाकी के जो है हमने उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। इस एनर्जी को हम बोलेंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इधर से जो ये चीज़ आती है, ये तो ऊपर से जो थोड़ा सा ये पार्ट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखो आयनाइजेशन मतलब आयनाइज हो चुका है मेटल, अब उससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैम आपने ये क्या चीज़ बता दी हम लोगों को, ठीक है। तो बस मैंने इतना ही बोला कि जब हम इस तरीके से एक डायग्राम मैंने एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे बढ़ाया कि मेरी एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मैंने ये बोला कि ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी है और यहाँ पे मेरी बाइंडिंग एनर्जी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर हमारे मेटल्स में से मुझे कुछ ना कुछ क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने दो तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी डिवाइड करी, एक्सरे और यूपीएस, ठीक है। हमने ये बोला कि अगर मेरा यहाँ पे जो रेडिएशंस आ रही हैं वो मैंने यूपीएस डाली, ठीक है, तो वो हमें अल्ट्रा वायलेट देती है। मतलब अल्ट्रा वायलेट जो है केवल और केवल कैपेबल है किसको? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे XPES की, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए। इसका मतलब एक्सरे डीपली पेनिट्रेट कर सकती है मेटल सरफेस के, जबकि अल्ट्रा वायलेट केवल और केवल उसके कहाँ से निकालेगी? शेल से ही निकालती है, उसके वैलेंस शेल से ही जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम करती है। और इसी को हम इसीलिए दो टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिवाइड करते हैं, एक अल्ट्रा वायलेट और एक एक्सरे। तो मैंने यही कहा था कि रेडिएशंस की चर्चा बाद में होगी कि हमें कौन सी रेडिएशन चाहिए। तो दो तरीके की रेडिएशन हमारे लिए नीडेड है, एक हो गई हमारी यूवी और एक हो गई हमारी एक्सरे। अब हमें इन दोनों को क्या करना है देखना है।
तो बस यही हमने बोला है कि जब हम इस तरीके का कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ये बोला है कि इसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है क्योंकि कोर के पास बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा है। देखो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा रेडिएशन देने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा रेडिएशन कौन सा देगा, वो एक्सरे प्रोवाइड करेगा और ये जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो है वो केवल और केवल उसके वैलेंस शेल से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, देखो इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल देन वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूवी रेज। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की निकालनी है तो हमारा जो है वो यूवी रेज से भी काम हो जाएगा, लेकिन इफ वी नीड टू रिमूव इफ वी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल देन वी रिक्वायर एक्सरे। तो हमें किसकी नीड है, हमारे एक्सरे की नीड है और इसी एक्सरे के बिहाफ पे जो है वो हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो एक्सरे की नीड से जो निकालोगे उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलोगे, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी की हेल्प से निकालोगे तो UPES अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दो तरीके के फिनोमिनन जो है वो हमारे ऑब्जर्व्ड होते हैं। अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से काम आएंगे। तो अगर हम बात करें हमारे UPES की, तो देखो UPES में केवल और केवल हमारे एनर्जी लेवल यूज होंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल सिंबल, एनर्जी लेवल सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा कि N इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे हम केवल शेल यूज करेंगे KLM और ये N, इतना ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे जो वैलेंस शेल है वो निकलेंगे। लेकिन अगर बात करोगे XPS की तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे टर्म सिंबल्स की। अब डेफिनेटली टर्म सिंबल्स तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, 1s0 हो गया, 1s½ हो गया और 2p½ हो गया, 2p³/2 हो गया, तो ये हमारे टर्म सिंबल्स है। तो जो हमारे एक्सरे होती है वो अच्छे से हमारे टर्म सिंबल की हमें डिटेल स्टडी देती है क्योंकि टर्म सिंबल्स यही तो कह रहे हैं, हमारे डीपली का भी स्टडी बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो जब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो टर्म सिंबल की बात करोगे और अगर अल्ट्रावायलेट की बात करोगे तो केवल और केवल एनर्जी सिंबल्स की ही हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों ही, तो देखो बोथ स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइडेड अ ग्राफ, दोनों ही जो है वो हमें एक ग्राफ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ग्राफ विच हैज बीन प्लॉटेड बिटवीन प्लॉटेड बिटवीन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी। किस किस के बीच का ग्राफ मिलेगा हमें, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ग्राफ तो प्लॉट करना है लेकिन हमें ये कैसा पता चलेगा कि हमारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कितने संख्या में निकले। भाई काइनेटिक एनर्जी तो पता लग रही है लेकिन नंबर कैसे पता करेगी कितने नंबर निकल रहे हैं। तो देखो नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट
फ्लो इन द सर्किट। तो सपोज करो कि हमने एक मेटल लिया है, उसमें हमने क्या करा कि जब हम रेडिएशंस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन के रिजेक्शन से वहाँ पे करंट का फ्लो होगा। अब उस करंट को अगर हम मेजर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने करंट को मेजर कर लिया, अब करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एमीटर है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे उसका मेजर करा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी टेंशन की बात नहीं रही कि अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अब हमें काइनेटिक एनर्जी भी पता है, हमारे इलेक्ट्रॉन भी पता है। काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने बताया कैसे निकालोगे, थ्रेशोल्ड की एनर्जी हो जाएगी और साथ ही साथ तो फोटोन की जो रेडिएशन है। ठीक है, तो मिनिमम हमें देखो मेटल का मिनिमम तो पता होगा ना कि किस में निकालेगा। अभी जब हमने बात करी कि अगर हम केवल UPES डाल रहे तो हमें पता है वैलेंस ही निकालेगा, तो उसकी एनर्जी हमें पता होगी। इस तरीके से हमें काइनेटिक एनर्जी की डिटेलिंग तो पता है, कितना इलेक्ट्रॉन कितने हवा से लेके जाएगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमारे करंट से पता लग गए। तो जब इसके बीच का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एन के ऊपर, एन क्या हो जाएगा हमारा, देखो एन जो हो जाएगा वो क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, साथ ही साथ ड्रॉ करेंगे काइनेटिक। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से, हमें यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। अब मैं बात करूँ कि इसकी पीक हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पीक इंटेंस मिलेगी, डीप मिलेगी। तो देखो ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, सपोज़ मुझे इस तरीके का भी कुछ ना कुछ ग्राफ मिल सकता है ना। तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पीक, तो हाइट ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाइट ऑफ पीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जितना भी हमारा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे उसकी हाइट उस पर डिपेंड करेगी। देखो ना ई एन है, इधर बढ़ोगे तो इसका मतलब जितने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, पीक की हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हाइट यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना कि हाइट ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली ये जो हमारा ये ग्राफ मिला है, ये हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी बिहाफ पे हम हमारे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इसके अंदर अलग अलग फिनोमिनन्स को चेकआउट करते हैं। और इस तरीके से अब PES भी हमारा दो कैटेगरी है, UPS और XPS, वो डिपेंड करेगा कि इनर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमें निकाल रहा है। तो टू टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यहाँ पे भी डिटेलिंग के साथ दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास पूछा जाए व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके लिए हमें पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल लिखना होगा। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा, आयनाइजेशन प्रोसेस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आयनाइजेशन प्रोसेस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दोनों सेम है, हल्का बहुत डिफरेंट है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा कर लेंगे कि क्या हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बतानी है तो उससे पहले हम इसका बेसिक डिटेलिंग आइडिया देंगे, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और उसके बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ फिनोमिनन्स, उसका फॉर्मूला, उसका ग्राफ जब ये बता देंगे, तब बात करेंगे हम उसकी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और वो हमारी ये चीज़ कहलाती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी चर्चा क्लास का विषय, जो कि क्या था हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।